हेलो स्टूडेंट, चलो इस क्वेश्चंस में क्या दिया है। कंसिडर अ प्लैनेट हुज डेंसिटी इज द सेम एज दैट ऑफ द अर्थ बट हुज रेडियस इज 3 टाइम द रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ए ऑन द सर्फेस ऑफ प्लैनेट इज जी ए इज इक्वल एक्स टाइम जी, वेर जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, देन एक्स क्या फाइंड आउट करो। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, एक प्लैनेट है जिसकी डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी के इक्वल है, बट रेडियस कितना है उसका, 3 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ है। और बोल रहा है कि डेंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है उसका, जी ए इज एक्स टाइम ऑफ जी। ओके, देन बताओ एक्स कितना आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, डेंसिटी सेम है, रेडियस क्या है 3 टाइम्स है, देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो क्या दिया आपको मैं लिख लेता हूं यहाँ पे। तो बोल सकता हूँ कि यहाँ पे क्या दिया, पहले डेंसिटी, तो डेंसिटी ऑफ प्लैनेट इस प्लैनेट को मैं ए से नोट करता हूँ बिकॉज जी से नोट किया, जी ए लिखा, एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ सेम है, रेडियस ऑफ प्लैनेट इज हाउ मच, इज 3 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ, और क्वेश्चन में दिया है जी ऑफ ए इज इक्वल टू जी हाउ मच टाइम, एक्स टाइम्स ऑफ जी ऑफ ए इज एक्स टाइम ऑफ जी, जी मीन्स यहाँ पर जी ऑफ अर्थ। ओके, तो क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या दिया है, डेंसिटी दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, हमें क्या करना है, जी के फॉर्मूले में ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो पहले जी का वैल्यू लिखते हैं, तो जी का वैल्यू फॉर्मूला क्या अपने पास, जी इज इक्वल टू कितना होता है बोलो, जी एम डिवाइड बाय आर स्क्वायर। ओके, बट ये फॉर्मूला नहीं यूज करते, रीजन क्या है इसमें, क्योंकि ये हमें डेंसिटी दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले को डेंसिटी में कन्वर्ट किया जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन हमें किया रहेगा सर। ठीक है, तो डेंसिटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, मास को लिख दो यहाँ पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और ये आर स्क्वायर एज इट इज, क्यों, डेंसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास कितना होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। क्लियर समझ में आ रहा है, तो मैंने मास को किससे रिप्लेस किया, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। ओके, अब वॉल्यूम को क्या लिखता हूँ, वॉल्यूम को मैं फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, डेंसिटी एज इट इज वॉल्यूम, अब प्लैनेट स्फेरिकल होता है तो स्पीयर का वॉल्यूम कितना आएगा, 4/3 πr³ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, यहाँ से आर स्क्वायर आर क्यू से आर स्क्वायर कैंसिल, कितना बच रहा है अपने पास, यहाँ पे आपके पास बच रहा है जी इज इक्वल टू जी रो 4/3 πr। क्लियर, अपने पास क्या बोल रहा है, जी का रिलेशन किस फॉर्म में आ गया, या जी का फॉर्मूला किस में आ गया, डेंसिटी के फॉर्म में आ गया। तो जब भी आपको डेंसिटी दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में स्मॉल जी को पहले डेंसिटी के फॉर्म में लेके आओ, फिर लिखो। ओके, अब ध्यान से देखो क्या क्या सेम है इसमें, जी कांस्टेंट है, रो दोनों के लिए सेम है 4/3, और 4/3 ये पाई कांस्टेंट है, तो बोल सकता हूँ सिर्फ ओनली आर चेंज हो रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर समझ आ रहा है, सबसे पहले हमने फॉर्मूला फॉर्म कर लिया डेंसिटी के फॉर्म में, अब क्या होगा, जो भी टर्म कॉन्स्टेंट है या जो भी दोनों प्लैनेट के लिए सेम है उसको छोड़ दो, बाकी क्या होगा, इसको छोड़ दिया बिकॉज बोलेंगे इसको कॉन्स्टेंट है, जो दोनों प्लैनेट के लिए सेम है उसको कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, जो चेंज हो रहा है बोलेंगे प्रोपोर्शनलिटी में, तो जी किसके प्रोपोर्शनल होंगे आर के। अब रेशियो लिख सकते हैं यहां पे, अगर प्रोपोर्शनलिटी है तो जी ऑफ, चलो क्या लिख सकते हैं यहां पे, जी ऑफ, एक मिनट, ठीक है, जी कितना आया था मेरे पास, जी इज प्रोपोर्शनल टू आर आ गया था, तो जी ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ अर्थ इज इक्वल टू आर ऑफ ए डिवाइड बाय आर ऑफ ई, यहाँ ए का मतलब प्लैनेट्स, ठीक है, तो यहाँ अपने पास जी ऑफ ए डिवाइड बाय जी ऑफ ई इज जी, और ये कितना, 3 टाइम रेडियस ऑफ प्लैनेट के इक्वल है, रेडियस ऑफ प्लैनेट, सिंपल, रेडियस ऑफ प्लैनेट कितना दिया अपने पास, 3 टाइम रेडियस ऑफ अर्थ, बस सब्स्टिट्यूट कर दो, इसे कैंसिल करो, ये शिफ्ट कर दो, कितना आ रहा आपके पास, जी ऑफ ए डिवाइड बाय जी इज इक्वल टू 3, तो जी ऑफ ए इज 3 टाइम ऑफ जी, सो दैट वी कैन से x कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, हमारे पास कितना है, g of a कितना है, 3 टाइम g, और क्वेश्चन में कितना दिया है, g of a is x टाइम ऑफ g, ठीक है, तो x कितना हो गया हमारे पास, 3 हो, कंपेयर कर लो यहां से, x is 3, सिंपल सा क्वेश्चन से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हमने PYQ में। ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है डेंसिटी दिया रहेगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्मूले को डेंसिटी में कन्वर्ट करो, फिर प्रोपोर्शनलिटी लिखो, देन राइट द रेशियो, सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। क्लियर समझ में आया सभी को, थैंक यू फॉर वॉचिंग।